बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं, जीत हार छोड़िए हम तो 175 सीट जीत सकते हैं। तो मेरा अंतिम उनको यही था कि भाई अगर आप जीत ही रहे हैं और आपको लगता है कि आप 175 जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है, जाके चुनाव लड़ो। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की भारी हार की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी विधानसभा चुनाव हार जाएगी क्योंकि वह केवल 51 सीटें ही जीत सकती है। उन्होंने ये भविष्यवाणी 12 मई को राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले की थी। ऐसे में क्या आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित होगी? अगर वाईएसआर कांग्रेस हार जाती है तो इसकी क्या वजह होगी? क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से वाईएसआर कांग्रेस के प्रचार अभियान पर कोई असर पड़ेगा? और क्या आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को फायदा होगा? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को साल 2019 में ऐतिहासिक जनादेश मिला था, लेकिन आरटीवी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वाईएसआर कांग्रेस को 67 सीटें मिल सकती है, जबकि टीडीपी और भाजपा गठबंधन को 106 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लोकसभा की 25 सीटों के लिए सर्वेक्षण में टीडीपी को 15 सीटें और वाईएसआर कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने 49.95% वोट शेयर के साथ 175 में से 151 सीटें जीती थी और टीडीपी ने इसे साल 2014 में 102 सीटें जीती थी केवल 23 सीटों तक ही सिमट गई थी। वैसे ये भी रोचक तथ्य है क्योंकि प्रशांत किशोर ने पिछली विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व किया था और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि जगन मोहन उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया था। प्रशांत किशोर की आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की भारी हार की भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। प्रशांत किशोर का तर्क है कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों की आशंकाओं पर और सपनों की उपेक्षा की है। उन्होंने नौकरियां पैदा करने, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। इसके अलावा पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के अनेक संकेत सामने आए हैं जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने जगन के नेतृत्व की आलोचना की है। पार्टी के पूर्व सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने हाल ही में आरोप लगाया है कि जगन पार्टी को एक व्यक्ति के शो में बदल रहे हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक मजबूत विपक्ष प्रस्तुत कर रहा है। टीडीपी के पास राज्य में एक मजबूत जनाधार है और भाजपा केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है। गठबंधन वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ जनता के असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रहा है। इन कारकों के अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जगन मोहन रेड्डी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जनादेश पर सत्ता में आए थे। उन्होंने 49.95% वोट हासिल किए थे जो राज्य में किसी पार्टी को मिले वोटों का उच्चतम प्रतिशत था। हालांकि ये संभव है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई हो। हालांकि जगन मोहन ने अपने आलोचकों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो पार्टी और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि वो अपनी गलतियों से सबक लेंगे और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए काम करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर संकट का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर भारी असंतोष है और जगन का नेतृत्व अब चुनौती में है। ये देखना बाकी है कि पार्टी इस संकट से उभर पाएगी या नहीं और क्या वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। इसी बीच टीडीपी और भाजपा गठबंधन राज्य में सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गठबंधन के कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और राज्य की बेबुनियादी ढांचे में सुधार लाने का वादा किया है। ये देखना बाकी है कि गठबंधन जनता के वादों को पूरा करने में सक्षम होगा या नहीं और क्या वो अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रख पाएगा।
तो इस तरह हमने जाना कि प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की भारी हार की भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि जगन मोहन रेड्डी ने जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा की है और पार्टी के भीतर असंतोष के संकेत है। अब ये देखना बाकी है कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।